हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का 2021-22 चैप्टर सेकंड, डेटा प्रोसेसिंग। और जैसा कि आपको पता है, आप पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेटा होता क्या है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, और इस बार हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें किस तरह की स्टैटिकल टेक्निक यूज़ होती है। ठीक है, अब स्टैटिकल टेक्निक के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस बार एक अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में, आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में केवल एक ही टॉपिक है। वैसे बेसिकली तीन टॉपिक होते हैं, लेकिन इस बार एक ही टॉपिक पढ़ना है, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी देखते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। तो देखिए, जब आपके पास कई सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, कई सारे नंबर्स होते हैं, तो उन सारे नंबर के लिए एक आइडियल वैल्यू निकालना, तो जो आइडियल वैल्यू होती है वही कहलाती है सेंट्रल टेंडेंसी। नहीं समझे? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप कार से कहीं जा रहे हैं, और कार से आपको जाना है बहुत दूर, तो आप स्पीड अलग अलग मेंटेन करते हैं। तो कभी आपकी स्पीड बहुत तेज होती है, 100 के ऊपर होती है, 110 इस तरह से स्पीड रखते हैं, 120 रखते हैं, और जब एकदम रोड खाली होता है, बीच में आपकी स्पीड 80 और 60 होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जहाँ पे कहीं पे भी ट्रैफिक आता है आपकी स्पीड कम हो जाती है 20-30 के पास। लेकिन जब आपकी डेस्टिनेशन पे आप पहुँचते हैं और आपसे कोई पूछता है कि आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप पूरा एक्सप्लेन थोड़ी करेंगे कि इतनी देर के लिए मेरी स्पीड 90 थी, फिर 100 हो गई, बीच में कहीं पे वो विलेज आ गया तो हमारी स्पीड इतनी हो गई। तो आप उसको एक आइडल नंबर बताते हैं, एक आइडल एवरेज बताते हैं आपकी कार का। ठीक है, आप उसको बोलते हैं कि मेरी स्पीड 80-60 थी। ठीक है, आप उसको बताते हैं कि मेरी जो स्पीड थी वो 80 या 60 के बीच में थी, राइट? तो इसी को हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये केवल इस तरीके से नहीं, बल्कि कई तरीके से यूज हो सकता है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में रेनफॉल बताने के लिए, हाइट ऑफ माउंटेन का एवरेज बताने के लिए, पॉपुलेशन की डेंसिटी बताने के लिए, या जो लिटरेसी रेट है वो बताने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे दिया है मालवा प्लेट्यू की अलग अलग सिटीज, इंदौर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, शाहजहाँपुर, ये सब एमपी के मालवा प्लेट्यू की सिटीज है, और ये आपको ऑब्जर्वेशन दिए कि यहाँ पर एक नॉर्मल रेनफॉल कितनी हुई है मिलीमीटर्स में। तो कहीं पे तो बहुत ज्यादा हुई है, 1083 है, तो कहीं पे बहुत कम है, 25 है। अब इन सबको एक साथ एक्सप्लेन करने के लिए आपको रिक्वायर होगा एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल नंबर जो एकदम बेस रिप्रेजेंटेटिव हो इन सारे ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, अब कमाल की बात यह है कि जो सिंगल वैल्यू आप बताएंगे वो एकदम सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में का मतलब ये कि वो ना तो एकदम हाई नंबर होना चाहिए या ना तो वो एक लोएस्ट नंबर होना चाहिए। मतलब ना तो ये वो सिटी बताए जहाँ पे सबसे ज्यादा रेन हुई है, ना उसके पास हो जहाँ पे सबसे कम रेन हुई है, कहीं ना कहीं बीच में होना जरूरी है, तब जाके हम इसे कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। क्यों? बिकॉज ये सेंट्रल में से नंबर निकला है। ठीक है, अभी जो स्टैटिकल टेक्निक्स होती हैं इस तरह के सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए, जो स्टैटिकल टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा नंबर जो डिनोट करता है सेंट्रल टेंडेंसी, एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव करता है एक फिगर को, एक नंबर को, एक वैल्यू को, जो एंटायर डेटा के एकदम सेंटर में आती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई हो। अब सेंट्रल टेंडेंसी तीन तरह से निकाली जा सकती है, मीन, मीडियम और मोड। ये तीनों तरीके हैं, और केवल ये तीनों तरीके ही समझना है और आपका प्रैक्टिकल का चैप्टर 2 हो जाएगा फिनिश। चलिए शुरू करते हैं मीन के साथ। देखिए, मीन क्या है? एक सिंपल अर्थमेटिक एवरेज है। ठीक है, एवरेज आपने निकाला होगा कई बार। अगर यही चीज आपसे पूछी जाती है आपके वाइवा में, तो आप क्या बोलेंगे? द मीन इज द वैल्यू विच ड्राइव्ड बाय द समिंग अप ऑल वैल्यूज, सारे नंबर को जोड़ो और उसको डिवाइड कर दो जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। चलिए वो समझने के पहले इसे देखिए ध्यान से। ये आपका प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है वो कुछ इस तरह का आता है, उसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं। इसमें ये जो स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चन हैं डेटा के बारे में, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे करिए पॉज और हो जाके सारा वीडियो देखिए, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। अब ये हम जो बात कर रहे थे मीन निकालने की, देखिए मीन निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उन सारे नंबर को सम अप करें, उन सारे नंबर को जोड़ दें, और ये नंबर कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 नंबर हैं। तो इन सारे 8 नंबर को जो भी रिजल्ट आता है उससे आपको डिवाइड करना है। फिर नीचे फॉर एग्जाम्पल ये 10 नंबर है, आई मीन 10 नंबर का जो टोटल है मान लीजिए 200 आया है, तो 200 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी टोटल आता है उसको उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड करना है। चलिए, अब जो मीन होता है ये दो तरह के डेटा में से निकलता है। मतलब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटा दो तरीके का होता है,
एक होता है अनग्रुप डेटा रो डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। ठीक है, अनग्रुप डेटा मीन्स 1, 5, 6, 8 ये पूरा लाइन जो है वो अनग्रुप डेटा, इसमें किसी को कोई ग्रुप कोई कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया है। और यहाँ पे हमारे पास है ग्रुप डेटा, ठीक है, उसको अपने पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड किया है, मतलब 10 to 20, जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। ये जो दोनों ही तरह के डेटाज होते हैं ग्रुप और अनग्रुप डेटा, उनमें मीन निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर अनग्रुप में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है और ग्रुप में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, बहुत ही आसान है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले कोशिश करते हैं समझने की अनग्रुप डेटा की डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड मीन्स क्या है, ये सारे जो नंबर्स लिखे हैं उनको करिए सम अप, मतलब टोटल करें, और फिर ये कितने नंबर हैं, ये 7 नंबर है, तो इनको 7 नंबर के साथ डिवाइड कर दो, यही है डायरेक्ट मेथड। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसके फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो यहाँ पे साइन दिया है एक्स के ऊपर बार बनी है, ये है मीन का साइन, और ये जो सिग्मा साइन यहाँ बना है इसका मतलब होता है सम अप, ठीक है। एक्स, अब एक्स का मतलब यहाँ पर है ये जो पूरी रो है इसका एक नाम रखा है हमने एक्स, ठीक है। अब सिग्मा एक्स का मतलब होता है इस पूरी रो को टोटल करना, इस पूरी रो को सम अप करना। तो जब इस पूरी रो को हम कैलकुलेटर लेके या मैन्युअली टोटल करेंगे तो आएगा 6484, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब सिग्मा एक्स मतलब ये और डिवाइडेड बाय एन मतलब कितने नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर है 7, तो इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया हमने, टोटल लिखा और इसको डिवाइड कर दिया 7 से, हमारा रिजल्ट आया 926.29। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। देखिए डायरेक्ट मेथड में जो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट आपके इनडायरेक्ट मेथड में भी आएगा। अब ये मेथड भी बहुत आसान है, इसमें क्या करना है ये देखिए, यहां तक तो आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इसको पहले यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला निकालने के पहले आपको जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूला को देखने की। तो हमें ये मीन निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए a, a का मतलब होता है एक सबस्ट्रेक्ट कांस्टेंट, यानी कि अज्यूम मीन, वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, फिर सिग्मा d और अपॉन n, देखिए। तो ये आप, अब इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास होना चाहिए d। अब d कैसे आएगा, d आएगा x माइनस 800। अभी 800 कहां से आया, देखिए ये सारी जो रेनफॉल है इनमें हमें एक अज्यूम मीन निकालना पड़ेगा। अज्यूम मीन मतलब कोई एक नंबर जो आप इस सबको रिप्रेजेंट करता हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई 1000 भी है, कोई 900 भी, कोई 800, अब या 800 कई बार आया है, तो हम 800 को यहाँ पर अज्यूम मीन मान लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर सेंट्रल में से हमने निकाल लिया, अभी जो 800 है उसको माइनस करना है इन नंबर्स में से, तो 979 में से अगर 800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 179, 1083 में से 800 माइनस करेंगे कितना बचेगा 283, वैसे ये सब माइनस करते करते ये पूरा यहाँ तक आ जाता है। फिर इन सबको टोटल करना है, इनका इन सब का टोटल इजी रहेगा, ठीक है, ये बड़े नंबर्स थे, ये 800 माइनस कर दिया तो छोटे नंबर हो गए, तो इनका टोटल होगा 884। नाउ 884 को अगेन हमें डिवाइड करना है नंबर से, नंबर तो वही रहेगा 7, और 7 से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 126.29। लेकिन यहाँ पे अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट लाने के लिए इसमें प्लस करना पड़ेगा हमारा अज्यूम मीन। अब जब अज्यूम मीन इसमें प्लस करोगे तो रिजल्ट आएगा वही जो आपकी डायरेक्ट मेथड में आया था, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड रिजल्ट आता है दोनों का सेम, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया है, अगर आप चाहें तो इसे एक बार वहां से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डेटा की। अब ग्रुप डेटा में डायरेक्ट मेथड कैसी होती है, देखिए ये तो हो गया आपकी क्लासेस, ठीक है। अभी क्या दिया है, देखिए वेजेस रेट ऑफ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जहां पर 50 से 70 रुपए मिलते हैं 10 लोगों को, 70 से 90 रुपए मिलते हैं 20 लोगों को, और यहाँ पे 130 to 150 रुपीज मिलते हैं 9 पीपल को। तो ये सारी फ्रिक्वेंसीज है, और टोटल पीपल कितने हैं वो उसका टोटल में हम लोग देखेंगे। तो ये फ्रिक्वेंसी आपको समझ में आ रही है, राइट। तो ये रहा इसका फॉर्मूला एफ एक्स अपॉन एन। तो एन कितने टोटल नंबर हैं, ये तो टोटल जब आप करेंगे तो 99 निकलेंगे, और बाकी सब चीज़ें निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी है, हमें निकालना है एक्स। अब एक्स का मतलब होता है मीडियम पॉइंट, मीडियम पॉइंट इस फ्रिक्वेंसी का मीडियम पॉइंट कितना है। फॉर एग्जांपल 50 टू 70 इनका मीडियम पॉइंट कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 70 90 का मीडियम पॉइंट हो जाएगा 80, 90 और 110 का मीडियम पॉइंट हो जाएगा 100, ठीक है। इसी तरह से सारे मीडियम पॉइंट आपने निकाल दिए। अब एफ एक्स का मतलब होता है एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, ठीक है। तो जब 10 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 600,
20 को 80 से करोगे तो 1600, और ऐसे ही ये पूरा यहाँ पर रो बन जाएगी। अब आप कर दीजिए सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, वही फॉर्मूला चाहिए था हमें। जब आप सिग्मा एफ एक्स करते हैं आ गया, अब सिग्मा एफ एक्स आपका आ गया 10160, और इसको आपको डिवाइड करना है एन से, एन है आपका 99। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 99 से तो आपका आंसर आएगा 102.6, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डायरेक्ट मेथड। अब जब आप इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें इसकी स्टेप्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक स्टेप्स हम समझ चुके हैं, यहाँ तक हम टोटल कर चुके हैं। अब इसको टोटल को जब आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास आता है डी, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका डी है। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस 100, तो एक्स तो हो गया आपका ये, इसको करना है माइनस 100 से। तो 60 माइनस 100 माइनस 40, 80 माइनस 100 माइनस 20, 100 माइनस 100 जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर आएगा 40। फिर आप बात करते हैं एफ और डी को मल्टीप्लाई करने की। एफ और डी क्या है आपका, ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका एफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इक्वेशन यहाँ पर ऐसी बनेगी। जब इनको पूरा सम अप करेंगे, पूरा टोटल करेंगे, तो आपका हो जाएगा सिग्मा एफ डी नियर अबाउट 260। अब सिग्मा एफ डी को डिवाइड करना है एन से, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करेंगे एन से, उसके पहले आपको यहाँ पर ए निकालना है, ठीक है। ए क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द अज्यूम मीन ग्रुप। नाउ इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, देखिए इसका मिड पॉइंट है 100, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है 100, ठीक है। जब 100 100, उसके बाद सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी आपका हो गया 260 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है 99, तो इसका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा 100 प्लस 260 डिवाइडेड बाई 99, और जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 102.6, ठीक है, वही जो आपके इनडायरेक्ट मेथड में आया था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ग्रुप डेटा की। अब बात करते हैं मीडियन की। देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन होती है एक पोजीशन, एक डेफिनेट पोजीशन एक नंबर की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने सारे नंबर दिए हैं, अब इसका एक मिडिल पॉइंट आपको निकालना है। तो मिडिल पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। ये जितने भी नंबर यहाँ पे दिए हैं इनको आपको लगाना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5 है यहाँ पर, 5 के बाद 8 और 8 के बाद 99। तो इसको हमने लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद ये फॉर्मूला आपको लगाना है, वैल्यू एन का मतलब ही टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1 आपका हो जाएगा 8, और जब आप 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आंसर आएगा 4। तो फोर्थ नंबर क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद इसका फोर्थ नंबर है 5। तो ये आपका हो गया मीडियन, ठीक है। तो ये तो वो बात रही जब आप ऑड नंबर आता है, जब इवन नंबर होगा तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 की जगह 8 होता, तो जब ये 8 होता तो 8 प्लस 1 होता 9, और डिवाइडेड बाय 2 तो आपका आंसर आता 4.5। इसका मतलब 4 और 5 दोनों ही नंबर आपके मीडियन होते इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है आपके वाइवा में, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हिमालयस माउंटेन की अलग अलग जो पीक हैं उनकी हाइट दी हुई है, किसी की हाइट है 8126, यहाँ पर माउंट एवरेज का हाईर ही माउंट एवरेज 8848 मीटर। तो चलिए इनके एक मीडियन हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। जब आप मीडियन हाइट निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल एन कितना ये नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1 8 और 8 डिवाइडेड बाई 2 4 नंबर। तो इसको जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर आएगा ये, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ आइटम है वही आपका बन जाएगा मीडियन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं अनग्रुप डेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप डेटा से मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।